मोबाइल फोन हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। हम इनका उपयोग केवल संचार के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन, जानकारी और बहुत से अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या आप भी सोते समय अपना मोबाइल फोन सिरहाने रखकर सोते हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपकी नींद उड़ा सकती है। दरअसल एम्स के प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार ने लोकल 18 की टीम से बातचीत करते वक्त बताया कि वो पिछले 5 सालों से लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह मोबाइल फोन सिरहाने रखकर सोने की आदत आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मोबाइल फोन सिरहाने रखकर सोने से हमारी सेहत पर क्या बुरा असर पड़ता है। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार हुआ। मैंने 2006 में MBBS की स्टडी करी है, उसके बाद साइकियाट्री में 1 साल की रेसिडेंसी करी है, उसके बाद 2015 में एम्स से MD साइकियाट्री 2018 में कंप्लीट करके 2019 से मैं प्राइवेट कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के रूप में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी तो मतलब आपको ये क्लिनिक रन करते करते कितना टाइम हो गया? मुझे यह क्लिनिक रन करते करते करीब 5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि 2 क्लिनिक आप रन करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 2 क्लिनिक है, एक लाजपत नगर और दूसरी नोएडा सेक्टर 44। अच्छा, तो सर बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि आपको 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो जैसे कि सर आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ देखी जा रही है कि जैसे हमारे युवा हो गए तो वो फ़ोन का यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते ही हैं, वो तो है ही एक खतरा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि फ़ोन का यूज़ करने के बाद जब देर रात तक उन्हें नींद आती है तो वो अपने पिलो के नीचे, अपने सर के नीचे रखकर फ़ोन सो जाते हैं। तो उससे होने वाले कुछ जो खतरे वो बताइए, और ऐसा क्यों होता है? फ़ोन से ऐसी कौन सी रेडिएशन वगैरह जो निकलती है उनको, उसके बारे में आप थोड़ा सा क्लियर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में मोबाइल हमारी दिनचर्या का वो अभिन्न अंग बन चुका है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी को पानी में मिला दो तो उसके बाद उसे सेपरेट करना मुश्किल है, ठीक वैसे ही आज के युवा और लोग जो हैं इसमें काफ़ी हद तक इंडल्ज हो चुके हैं और दिन से रात तक वो स्क्रॉल करते रहते, रात रात हो जाती है। जो सबसे इमीडिएट खतरा है वो है एक्सप्लोजन का। आप देखते हैं कि आजकल बम भी बन चुकी है मोबाइल, जब आप पिलो के नीचे रखते हैं होता है क्या है, रात भर आप स्क्रॉल करते हैं फिर आपकी बैटरी जो होती है 5% के आसपास पहुंचती है तो आप चार्ज में लगाकर पिलो के पास में रख देते हैं, क्योंकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस करना नहीं चाहते। आपके मोबाइल पर अलार्म सिस्टम लगी होती है वो भी आप मिस करना नहीं चाहते, तो इससे फटने के खतरे बढ़ जाते हैं। यह प्रमुख चीज़ है जिस पर हमें सबसे गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके रेडिएशंस है ना, चूँकि यह एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करते हैं। यह रेडिएशन जो होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के रूप में होते हैं। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी हालांकि यह नॉन आयोनाइजिंग होती है, आयोनाइजिंग कहते हैं जैसे एक्सरे, गामा रे जो कि हमारे सेल्स को ज़्यादा डैमेज करते हैं। यह जो रेडिएशंस होते हैं यह हीट प्रोड्यूसिंग रेडिएशंस होते हैं। यह रेडिएशंस रेडियो फ्रिक्वेंसी 3 बातों पर डिपेंड करता है, एक आप कितने नज़दीक हैं मोबाइल से, दूसरा कितने समय तक मोबाइल के पास रहे हैं, और तीसरा बेस स्टेशन या मोबाइल टावर से कितनी दूरी है। तो जब आप ओपन स्पेस में होते हैं तो मोबाइल टावर से कनेक्शंस जो होते हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो हमारी मोबाइल जो होती है वो कम रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करती है। जैसे आप रूम बंद करते हैं, पिलो के नीचे रखते हैं, तो वो सिग्नल गेन करने के लिए ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण रेडिएशंस के एक्सपोजर के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें तो 2011 में WHO ने एक वार्मिंग एडवाइजरी दी थी कि इससे ग्लाउमा होने के खतरे बढ़ जाते हैं, खासकर बच्चों में। ग्लाउमा एक ब्रेन ट्यूमर है जो बच्चे जहाँ की ब्रेन सेल्स डेवलप कर रहे होते हैं प्लस उनके जो स्कल्स होते हैं वो काफ़ी इमेच्योर होते हैं, तो उनमें इनकी खतरा होने की संभावना या ट्यूमर होने की संभावना काफ़ी मानी गई है। लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ अभी और भी चाहिए इसको 1:1 कोरिलेशन गेन करने के लिए। तो सर अगर मैं बात करूँ कि इससे बचा कैसे जा सकता है? बिल्कुल, और 2-3 और साइकोलॉजिकल चीज़ें वो भी मैं बता देता हूँ। अनिद्रा, फटीग, थकान सा रहना, कंसंट्रेशन की कमी, यह सारी चीज़ें जो है इनके रेडिएशंस और इनके ब्लू रेज के कारण भी होते मतलब हैं। ये जो लक्षण है वो हमें अपनी बॉडी में दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। अच्छा, तो बचाव की बात करें तो काफ़ी सरल है कि जब भी आप मोबाइल यूज करते हैं और समय होने पर मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड में रखें और अपने से दूर रखें। हालांकि इसकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कहते हैं 1 मीटर या उससे ऊपर की दूरी पर रखनी चाहिए, यह आपसे जितना दूर हो उतना ही बेहतर। तो सर अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि फ़ोन कई लोग जैसे तकिया के नीचे रखने से
और भी कोई चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में, मान लीजिए अगर फटना ना हो तो फिर कुछ कुछ चीज़ें जो कॉमन प्रॉब्लम हमें अपनी बॉडी में दिखने लगी कि हाँ उस वजह से ही होती है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि इसके जो इमीडिएट इफेक्ट होते हैं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके रेडिएशन से हमारी ब्रेन की मेलाटोनिन और सर्काडियन रिद्म जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण स्लीप अवेक साइकिल आपका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। आप देर रात तक जगे रहते हैं और देर सुबह लेट तक आप सोए रहते हैं, जिसके कारण आपकी ब्रेन जो होती है वो दिन भर हैवी सी फीलिंग, मतलब भारीपन सा सर में होना, किसी भी काम में फोकस ना होना, याददाश्त कम होना, चीज़ें भूल जाना और चिड़चिड़ाहट, यह भी एक कॉमन सिम्टम है। यह सारे साइकोलॉजिकल सिस्टम काफ़ी सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है इस तरह के एक्सेसिव मोबाइल यूज़ या फिर आप पास में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18, दिल्ली।